दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज अपन देखते हैं ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि। हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था, वीडियो के अंदर कि ट्रिपल सी की जो मुख्य प्रविष्टि उसके अंदर कौन कौन से अनुच्छेद है, अपने फॉर्मेट बना के उसका एक लिखा था, फॉर्मेट बना के लिखा था। आज अपन देखते हैं कि मुख्य प्रविष्टि के अंदर एक उदाहरण के द्वारा कि कौन सी चीज कैसे उदाहरण दिया जाता है और कहाँ लिखा जाता है, और उसी उदाहरण के बाद के अंदर ट्रिपल सी के अंदर जो जो सी आई एंट्री बनती है वो श्रृंखला प्रक्रिया के द्वारा बनती है। तो वो श्रृंखला प्रक्रिया अपन समझ लेंगे लास्ट के अंदर कि श्रृंखला प्रक्रिया कोर नंबर से कैसे निकाली जाती है। सीधा सीधा सही एंट्री किसके लिए, जो एंट्री पुस्तकों के लिए जो कोर नंबर दे रखे हैं वो कोर नंबर पाठक को समझ में आएगी नहीं कि पुस्तक किस चीज की है। जैसे अपन चलते हैं पाठक पुस्तकालय के अंदर, अब उनको पता ही नहीं है कोड किस का है। तो वापस सही एंट्री के लिए जो अधिमानी भाषा के रूप में वापस वो कॉल नंबर को चेंज करना है, क्या है, सही एंट्री का है। और सही एंट्री अपन समझ लेंगे उसका शीर्षक कैसे निकाला जाता है पाठक के द्वारा। तो अपन शुरू करते हैं। ये मैंने एक उदाहरण लिख दिया पहले, मुख्य प्रविष्टि क्लासिफाइड कैटालॉग कोड विद एडिशनल रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटालॉग कोड, ये इसका शीर्षक है। और इसके लेखक है एस आर रंगानाथन और असिस्टेंट बाई साइक है नील मैगन, और ऐसे पब्लिकेशन हाउस 1964 से प्रकाशन है। अदर इन्फॉर्मेशन में देखें तो रंगानाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस 2 है, कॉल नंबर है 2:55N3 और बुक नंबर है QN64, एक्सेशन नंबर है 27893 और एडिशन है इसका 1964 के अंदर 5वां एडिशन आया था। और ऐसा रंगानाथन और जन्म दिनांक है इनकी 1892। ये अपना पहला क्वेश्चन है, लिख दिया मैंने इसका उदाहरण और इसके थ्रू के अपन इसको समझेंगे कैसे इसको एक फॉर्मेट के अंदर सीसी की मुख्य प्रविष्टि इसको कैसे लिखा जाता है। तो ये इसी तरह अगर आप कोटा का एग्जाम दोगे वहां पर वो थर्ड फोर्थ पेपर आता है, वो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आता है और फिर इसको अपन को लिखना होता है कि उसको ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि कैसे लिखी जाती है। उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है और अपने एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट, क्यों एग्जाम पिछली बार क्वेश्चन आया था, हर एग्जाम के अंदर सीसी से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं और वो मुख्य प्रविष्टि से ही पूछे जाते हैं कि मुख्य प्रविष्टि से कैसे। जैसे पिछले एग्जाम है सी आई एंट्री का, तो सी आई एंट्री किससे है, इस कॉल नंबर से ही सी आई एंट्री निकाली जाती है। तो ये एक तरह के इनडायरेक्ट इससे ही रिलेटिव था। तो अपन शुरू करते हैं, ये आपने ये पहले लिख लो आप इसको या इसका स्क्रीन शॉट ले लो, फिर मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ। तो शुरू करते हैं अपन मुख्य प्रविष्टि। तो मुख्य प्रविष्टि की जो प्रपत्र होता है उसकी साइज क्या होता है, 5x3, क्या होता है 5x3, इस तरह की मुख्य प्रविष्टि होती है। ये अपने मुख्य प्रविष्टि का कार्ड है और इसकी साइज है 5x3। और अब शुरू करते हैं, अपने सबसे पहले अपन लिखा था फर्स्ट अनुच्छेद था इसका लीडिंग सेक्शन। लीडिंग सेक्शन के अपन तीन चीज लिखे, कॉल नंबर, बुक नंबर और कलेक्शन नंबर। तो लीडिंग सेक्शन कहां से शुरू किया जाता है, यहां से। तो लीडिंग सेक्शन क्या था अपना, 2:55N3 QN64, ये बुक नंबर, ये कॉल, इसके बीच में दो अक्षर की जगह छोड़ी चाहिए, ये आप जरूर ध्यान रखना। जब भी इस फॉर्मेट के अंदर लिखे तो मैं हर आपको बारीक की चीज से बताऊंगा कौन सी चीज, यहाँ पर दो अक्षर की जगह छोड़कर ये चीज लिखी जाती है, बुक नंबर QN64। ये था अपना इसका लीडिंग सेक्शन। फिर इसके बाद आता है लीडिंग सेक्शन के बाद आता है अपने हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन के अंदर किसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है, तो हेडिंग सेक्शन लेखक के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, और लेखक की, लेखक और जनरल की DOB और DOD, मतलब जनरल लेखक की मृत्यु वर्ष और लेखक की जन्म वर्ष, ये तीनों इन्फॉर्मेशन होती है। तो इसका अपने जो क्वेश्चन लिखा उसका लेखक कौन था, एस आर रंगानाथन। तो रंगानाथन बड़ा लिखेंगे कैपिटल में, रंगानाथन, और कोष्ठक में क्या लिखेंगे, एस आर। जन्म वर्ष इसकी इनकी बात दे रखी 1892, और मृत्यु वर्ष कब हुई थी, रंगानाथन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1972 के अंदर मृत्यु हुई थी इनकी।
1972। तो ये दोनों जब मृत्यु वर्ष नहीं हो तो इसको सीधा यहाँ पुलिस स्टॉप नहीं लगाएंगे, ये पुलिस स्टॉप एक चीज इनमें से नहीं हो, जन्म वर्ष तो है, मृत्यु वर्ष नहीं है, तो ये पुलिस स्टॉप अपन नहीं लगाएंगे। अपन को दोनों मिल गई तो इसके लास्ट में क्या लगेंगे, पुलिस स्टॉप लगा देंगे, डॉट का निशान लगा देंगे, तो ताकि ये पूरा हो गया, मतलब लीडिंग सेक्शन हेडिंग सेक्शन अपन का पूरा हो गया। हमने लिख दिया लीडिंग सेक्शन हेडिंग सेक्शन, इसके बाद क्या होता है टाइटल सेक्शन आता है। टाइटल के बारे टाइटल सेक्शन में टाइटल के बारे में के किस टाइटल से बुक आई है और उसका एडिशन कौन सा और उसका सहकार कौन है, ये तीन चीजें टाइटल सेक्शन के अंदर लिखी जाती है। तो इसका टाइटल कौन था, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल, जो सीसी का 5वां संस्करण उसका जो हेडिंग है वही मैंने लिया था, इसलिए उसका हेडिंग क्या था 5वां संस्करण का, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग। तो टाइटल सेक्शन के अंदर लिखेंगे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विथ एडिशनल रूल, यहां नहीं आएंगे, यहां से शुरू करना है वापस, आपको कहां से शुरू करना है, यहां से फॉर डिक्शनरी कैटलॉगिंग, ये इसका था अपने टाइटल क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रूल फॉर डिक्शनरी कैटलॉग, और इसका एडिशन कौन सा था अपने पांचवा, और छह कारक कौन था, तो लिखेंगे असिस्टेंट बाई ए नील मैगन, और लगा देंगे पुलिस स्टॉप। ये होगा अपना टाइटल सेक्शन के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन लिखी। टाइटल सेक्शन में तीन चीज लिखी जाती है, हमने लिखी है टाइटल, एडिशन और सह कारक कौन है, ये तीन चीज अपने लिखी टाइटल सेक्शन के अंदर। इसके बाद होता है इसके अंदर नोट सेक्शन। नोट सेक्शन किसके लिए बारे में सूचना, तो ग्रंथमाला के बारे में सूचना होती है। ग्रंथमाला कौन सी, गंगानाथन श्री जीन लाइब्रेरी साइंस। तो फोर्थ आता आपने नोट सेक्शन और लिखेंगे लाइब्रेरी साइंस, लंगानाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस। ये था इसका ग्रंथमाला का नाम, और ग्रंथमाला सीरीज कौन सी थी, टू। वहां पर लिखा था क्वेश्चन के अंदर, देखो टू लिखा हुआ, रंगानाथन लाइब्रेरी अदर इंफॉर्मेशन के अंदर मैंने लिखाई थी रंगानाथन सीरीज इन लाइब्रेरी साइंस टू। ये था अपना नोट सेक्शन। अब इस नोट सेक्शन के बाद एक और चीज आती है, चार तीन सेक्शन पूरे हो गए, एक दो तीन और चार सेक्शन अपने पूरे हो गए, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन और नोट सेक्शन। इसके बाद एक सेक्शन मुख्य पृष्ठ पर और आता है, एक्सेशन नंबर, और एक्सेशन नंबर कहाँ लिखा जाता है, यहाँ पर। एक्सेशन नंबर कहाँ पर लिखा जाता है, यहाँ पर, और एक्सेशन नंबर क्या था 27893, ये था अपना एक्सेशन नंबर 27893। तो ये था मुख्य सीसी का मुख्य पृष्ठ, जिसके अंदर पांच इन्फॉर्मेशन होती है, पांच अनुच्छेद होती है, वो मैंने 500 अनुच्छेद आपको एक एक करके लिखा दिया है। इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, ये N4 क्या है, बुक नंबर है, N तो बुक नंबर का कोड आता है, जहाँ बुक कौन सी है उसके तरह, और बुक की मतलब बुक किस टाइप की है उस तरह NQ लिखा जाता है, और N4 लिखा, N का आता है ये जब टाइम आइसोलेट है, आप सीसी के अंदर बुक के अंदर टाइम आइसोलेट, वहां N का मतलब गया 1900 से 1999 तक जो भी सीरीज है, 1901 से 1999 तक जो भी सीरीज है उसके लिए N प्रयोग किया गया है, जैसे 2000 से 2099 के लिए P प्रयोग किया है। तो 1900 लिखा था 1964 के अंदर ये बुक आई, तो 1900 सीरीज के अंदर N और 64 पूरा वो वही आएगा, तो N64 इस तरह ये टाइम आइसोलेट से लिया गया था N64। और ये तो रंगानाथन अपने ये बाकी इन्फॉर्मेशन जो अपने क्वेश्चन लिखा उसके अंदर दी हुई है, और उसको वापस सेट करना है किस तरह की कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ लिखनी है उस तरह से करना था। ये था अपना सीसी की मुख्य प्रविष्टि। और इसके बाद अपन देखते हैं इससे वापस श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाल जाती है, श्रृंखला प्रक्रिया इसी से निकाली जाती है।
श्रृंखला प्रक्रिया किससे निकाली जाती है, इसी से ही निकाली जाती है। तो अपने इसके बाद में देख देते हैं श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाली जाती है। तो अपना कॉल नंबर क्या था, 2:5N3Q, ये था अपना कॉल नंबर। इसके अंदर एन 64 है जो श्रृंखला प्रक्रिया के अंदर इसका उपयोग नहीं होता, टाइम आइसोलेट श्रृंखला प्रक्रिया के अंदर इसका उपयोग नहीं होता एन 64 का। तो सबसे पहले आते थे दो का प्रयोग कैसे होता है, तो दो लाइब्रेरी साइंस के अंदर क्या है, लाइब्रेरी साइंस कोड दे रखा है, लाइब्रेरी साइंस दो का क्या दे रखा है, लाइब्रेरी साइंस दे रखा है। जब भी आप इसके अंदर जाओगे तो दो क्या दे रखा है, लाइब्रेरी साइंस दे रखा है। और इसको मतलब आपको जो भी चीज अपन सीधी सीधी मिल जाए उसको क्या कहते हैं इसके अंदर, शॉर्ट लिंक मतलब वांछित कड़ी, वांछित कड़ी। और वांछित कड़ी कैसे, इसको मतलब शॉर्ट लिंक मतलब सीधा आपको मिल जाए। जैसे दो आप सीसी के अंदर दो जैसे मुख्य वर्ग में देखो दो लाइब्रेरी साइंस लिखा मिलेगा। फिर आता है दो कोलन, हर चीज लिखनी है आपको दो कोलन, दो कोलन आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्यों, कोलन का मर्द पीएमएसटी के अंदर प्रयोग किया हुआ है लेकिन मुख्य वर्ग के अंदर कहीं नहीं मिलेगा आपको दो कोलन। तो इसको क्या कहते हैं, फाल्स लिंक मतलब मिथ्या खड़ी। और इससे कभी भी पाठक पुस्तक नहीं ढूंढता, कभी भी नहीं ढूंढता, इसीलिए इससे सीआई एंट्री नहीं बनती। दूसरा है 2:5, यह है 2:5 या सीसी के अंदर टेक्निकल ट्रीटमेंट होता है 2:5, यह है टेक्निकल ट्रीटमेंट। टेक्निकल ट्रीटमेंट लाइब्रेरी साइंस 2:5 का मतलब होता है टेक्निकल ट्रीटमेंट लाइब्रेरी साइंस। और इसी को क्या कहा जाता है, इसको वही शॉर्ट लिंक मिथ्या वांछित कड़ी, वांछित कड़ी। फिर आता है 2:5, और इसका क्या मतलब होता है इसके अंदर सीसी के अंदर, तो यह कैटालॉगिंग कोड लाइब्रेरी साइंस, कैटालॉगिंग कोड लाइब्रेरी साइंस। कैटालॉगिंग कोड इन लाइब्रेरी 2:5, और यही क्या है, शॉर्ट लिंक, इसको भी क्या कहा जाता है, शॉर्ट लिंक यानी वांछित कड़ी, वांछित कड़ी। ये हो गया अपना एंड। अब आया आगे 2:5N3, N3 साथ में, क्यों, N का कोई मतलब नहीं है, N3 साथ के अंदर है ये, तो N3 का इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है क्लासिफाइड, क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड, और इसी को क्या कहा जाता है, वांछित कड़ी, वांछित कड़ी। ये हो गया अपन एन तक, और लास्ट के अंदर बचा है क्यू, तो 2:5N3 क्यू, 2:5N3Q, और इस क्यू का मतलब हुआ कोड, क्लासिफाइड कोड, क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड क्या होता है, कोड क्लासिफाइड, बाकी वही है आगे लिख देना कोड, और बाकी वही क्लासिफाइड कैटालॉगिंग कोड। और इसको कहते हैं कृत्रिम कड़ी, क्या कहते हैं, कृत्रिम कड़ी। ये थे अपने इस पूरा कॉल नंबर से, मैंने ये आपको पूरा बता दिया, ये श्रृंखला प्रक्रिया रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, श्रृंखला प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई थी, ये रंगनाथन के द्वारा दी गई थी, वो कोड नंबर से वापस अधिमानी भाषा के रूप में वापस लिखना, यही क्या है, श्रृंखला प्रक्रिया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, क्वेश्चन पाठक किससे कभी भी पुस्तक नहीं मांग सकता, तो मिथ्या कड़ी से कभी मांग नहीं सकता। तो सी एंट्री कितनी बनेगी इसके अंदर, 1, 2, 3, 4 और 5 सबसे बनेगी, लेकिन मिथ्या कड़ी से कभी सी एंट्री नहीं बनेगी। तो इसके अंदर सी एंट्री कितनी बनेगी, 1, 2, 3, 4 और 5 पांच तरह की सी एंट्री इसके अंदर बनेंगी। क्वेश्चन ये पूछ ले 2:5N3Q,
इसके अंदर सी एंट्री बनेगी तो किस तरह की बनेगी, पांच तरह की। आपको यहां से भी निकाल सकते हो, जैसे टू हो गया, एक होगी, टू कॉलन, जब भी कभी कोई निशान आए उससे कभी सी एंट्री नहीं बनेगी। वापस एक एक अक्षर उठाते जाओ और लास्ट तक चेक करते जाओ, कभी निशान, कभी कोई योजक चिन्ह का तो प्रयोग नहीं है, और जहां पर योजक चिन्ह है उससे कभी सी एंट्री नहीं बनेगी। ये होगी अपने श्रृंखला प्रक्रिया, जिसे मैंने आपको सीसी की मुख्य प्रविष्टि बताई और उसके अंदर जो लीडिंग सेक्शन होगी मुख्य था कॉल नंबर, उससे मैंने आपको बता दिया श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाली जाती है। तो ये थी अपनी पूरा सी एंट्री और मुख्य प्रविष्टि सीसी। और मैंने ये सीसी के इससे पहले दो ट्रिपल सी के इससे पहले मैंने दो वीडियो डाल दिए, तीसरा है अपना ट्रिपल सी का, ट्रिपल सी का वीडियो, और जिसके अंदर मैंने आपको अच्छी तरह बता दिया है ट्रिपल सी की मुख्य प्रविष्टि कौन कौन सी है, 2:55N3, और इसे मुख्य प्रविष्टि कैसे बनाई जाती है और इसके बाद श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाली जाती है, ये भी मैंने बता दिया। तो ये था आपने आज की क्लास, जिसके अंदर मैंने ट्रिपल सी बता दी आपको पूरी, ट्रिपल सी के अंदर हर क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, और जिसे ट्रिपल सी से कॉल नंबर से श्रृंखला प्रक्रिया कैसे निकाली जाती है वो भी बता दिए। अब लाइव लास्ट वीडियो के लास्ट में हर बार एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, तो इस बार एक क्वेश्चन नया अपना है, व्यक्तियों और स्थानों के बारे में जो सूचना है, जो व्यक्तियों और स्थानों दोनों की सूचना, व्यक्तियों और स्थानों की सूचना हमको कहाँ मिलती है, कहाँ पाई जाती है और किस सोर्स से हमको मिलती है, यही क्वेश्चन है आज का। व्यक्तियों और स्थानों के बारे में सूचना हमको कहाँ से मिलेगी, उस सोर्स का नाम बताओ, उस सोर्स का आपको नाम बताना है। व्यक्तियों और स्थानों से संबंधित जो सूचना है उसको आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और आप जो लाइब्रेरी का जो भी आपको डाउट हो, क्वेश्चन हो, कोई भी चारों यूनिट से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स के अंदर जरूर बता देना, मैं आपका उसका आंसर जरूर दूंगा, हाथों हाथ दे दूंगा, या अगले वीडियो के अंदर बड़ा होगा तो अगले वीडियो के अंदर शुरू के अंदर में उसका आपको आंसर मिल जाएगा। लाइब्रेरी साइंस का सनरी क्लासेस पर एकदम फ्री के अंदर आपको अवेलेबल है ये कोर्स, एकदम फ्री के अंदर, और बाकी कोचिंग वाले आपके पास 8-10 हज़ार रुपये लेंगे, वहाँ पर उससे ही अच्छा आपको बताया गया, मैं एकदम फ्री के अंदर स्टूडेंटों के लिए। और सनरी क्लासेस के अंदर आपको चारों यूनिट अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख लेना, चारों अलग अलग यूनिट की टॉपिक वाइज बनाया गया है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं, और अच्छी तरह आपको वहां पर बताया गया है हर थ्योरी की क्लास और जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं, और ओल्ड कुप पेपर से ही संबंधित ओल्ड कुप पेपरों को मैंने आधार बना के ये पूरा पूरा लाइब्रेरी कोर्स बनाया था, और आपको एकदम फ्री के अंदर लाइब्रेरी कोर्स उपलब्ध है। तो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट को इसका फायदा मिल सके। तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, आपका जो भी डाउट हो कमेंट्स बॉक्स के अंदर बता देना, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्णा।